हेलो स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ने जा रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी तंत्र के ऊपर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, शुक्र जनन की क्रिया को कौन सा हार्मोन प्रभावित करता है? नाउ शुक्र जनन क्या होता है? शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को हम शुक्र जनन कहते हैं। शुक्र जनन का मतलब है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, शुक्र जनन की क्रिया को कौन सा हार्मोन प्रभावित करता है? तो ये बात तो तय है कि शुक्राणु जो है वो किसमें बनेंगे? गोनेड्स के अंदर बनेंगे। तो जो गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन्स है वही शुक्रजनन की क्रिया को कंट्रोल करेंगे। अब हमको ये मालूम होना चाहिए कि गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है FSH और एक होता है LH। लेकिन ध्यान रहे कि शुक्रजनन की क्रिया को जो हार्मोन प्रभावित करता है वो LH नहीं है, वो कौन सा है? FSH है। तो देखिए, यहां पर थर्ड ऑप्शन दे रखा है अपने को FSH। FSH का फुल फॉर्म क्या है? FSH का फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन यानी कि हिंदी में बोलूं मैं उसे तो पुटिका प्रेरक हार्मोन, राइट? जिसे कि हम ये कह सकते हैं कि इसको कौन रिलीज करता है? तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि का जो अग्रपिंड होता है वो इस FSH हार्मोन को स्थापित करता है। देखिए, FSH की भूमिका न केवल शुक्र जनन के अंदर है, न केवल FSH का जो रोल है वो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर है, FSH का रोल फीमेल में भी होता है। और वो क्या है कि जैसे कि नेम शो कर रहा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुटिका प्रेरक हार्मोन, तो वो अंडाशय के अंदर जो पुटिकाएं होती है उनके निर्माण को प्रेरित करता है। लेकिन जो अभी क्वेश्चन है अपना वो किसके ऊपर है कि शुक्र जनन की क्रिया को कौन सा हार्मोन प्रभावित करता है? तो यस ऑफकोर्स, शुक्र जनन की क्रिया को जो हार्मोन प्रभावित करता है वो कौन है? FSH है। अब देखिए, दूसरा हार्मोन आ जाते हैं और वो है कि यहां पर क्वेश्चन है दुग्ध स्त्रावी हार्मोन कौन है? दुग्ध स्त्रावी हार्मोन यानी कि यहां पर पूछा है दूसरे क्वेश्चन के अंदर, दैट इज नॉन एज मिल्क इजेक्शन हार्मोन। मिल्क इजेक्शन हार्मोन कौन है? मतलब वो कौन सा हार्मोन है जो माँ की मेमरी ग्लैंड से मिल्क को बाहर लाने वाला हार्मोन कौन सा है? देखिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा, कई बार आपको कंफ्यूजन हो जाता है, मैंने मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन नहीं पूछा है, मैंने आपसे पूछा है मिल्क इजेक्शन हार्मोन। मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन जो होता है वो तो मिल्क का निर्माण करने वाला हार्मोन एक माँ के अंदर, लेकिन मिल्क को माँ की मेमरी ग्लैंड से बाहर लाने वाला जो हार्मोन है वो कौन है वो पूछा है, यानी कि मिल्क इजेक्शन हार्मोन पूछा है। यानी कि जब एक बच्चा रोता है और माँ के पास में आता है तो सीधा जो बच्चे के रोने की जो आवाज है वो माँ के मस्तिष्क के अंदर जो मस्तिष्क है वहां पर हाइपोथैलेमस है, वहां पर जाता है मैसेज। और हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या देता है? आदेश देता है कि वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक हार्मोन को रिलीज करे और उस हार्मोन का नाम क्या है? ऑक्सीटोसिन है। तो ऑलवेज रिमेंबर, मिल्क इजेक्शन हार्मोन आपसे पूछा है तो वो मिल्क इजेक्शन हार्मोन जो है वो देखिए यहां पर दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन, और वो कौन है? ऑक्सीटोसिन है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मिल्क इजेक्शन हार्मोन कौन है? ऑक्सीटोसिन है। अभी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है जो PMTs में पूछा भी गया है कि किस अस्थि की सेला टर्सिका में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है? पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये सेला टर्सिका है क्या। तो ये सेला टर्सिका जो है यूं समझ लीजिए कि ये एक खांच है, बेसिकली ये एक डिप्रेशन है, राइट? ये एक डिप्रेशन है, राइट? ये क्वेश्चन पूछा है कि किस अस्थि की सेला टर्सिका में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। तो पीयूष ग्रंथि एक खांच में पाई जाती है, उस खांच को हम क्या कहते हैं? सेला टर्सिका कहते हैं। अब आखिर ये सेला टर्सिका है कहां पर? तो सेला टर्सिका जो होती है वो एक बोन होती है जिसका की नाम है स्फीनोइड बोन। एक बोन होती है जिसका नाम है स्फीनोइड बोन। उस स्फीनोइड बोन के अंदर एक खांच है जिसका नाम है सेला टर्सिका, और इस सेला टर्सिका नामक जो खांच होती है इसी डिप्रेशन के अंदर, इसी खांच के अंदर क्या पाई जाती है? दैट इज नोन एज पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है, यानी कि पीयूष ग्रंथि जो है वो यहां पर पाई जाती है। तो यही तो क्वेश्चन था, किस अस्थि की सेला टर्सिका में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है? स्फीनोइड बोन, एथमोइड बोन, वोमर और लेजर बोन। तो यहां पर है स्फीनोइड बोन के अंदर, स्फीनोइड बोन की सेला टर्सिका नामक खांच के अंदर कौन पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। अब देखिए, फोर्थ क्वेश्चन यहां पर दे रखा है, इसको ध्यान से देखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन, नाउ फोर्थ क्वेश्चन क्या है वो देखिए, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को हिंदी में हम कहते हैं लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाओं के द्वारा स्थापित हार्मोन का प्रभाव किस पर होता है? पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या है। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो होती है वो हमेशा किस में पाई जाती है?
पैनक्रियास के अंदर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पैनक्रियास के अंदर, यानी कि अग्नाशय के अंदर। देखिए अग्नाशय जो है, पैनक्रियास है, वो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। ओके, पैनक्रियास जो होती है वो एक्सोक्राइन नेचर भी होता है उसका, यानी कि बहिस्त्रावी, और एंडोक्राइन नेचर यानी कि अंतस्रावी नेचर दोनों होता है। तभी तो हम पैनक्रियास को क्या कहते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। अब देखिए, यदि पैनक्रियास पैनक्रिएटिक जूस रिलीज कर रही है, यदि पैनक्रियास से अग्नाशय रस या पैनक्रिएटिक जूस रिलीज हो रहा है और उसके अंदर खूब सारे एंजाइम है, तो ये उसकी एक्सोक्राइन प्रकृति है। लेकिन ये जो पैनक्रियास होती है उसका जो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है वो किसके द्वारा निर्मित होता है? तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से क्या होता है, ये निर्मित होता है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से, लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाओं से ये क्या होता है, निर्मित होता है। अब ये लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाओं के द्वारा स्रावित हार्मोन का प्रभाव किस पर होता है, ये क्वेश्चन पूछा है। क्या कैल्शियम के ऊपर होता है, क्या ग्लूकोज के ऊपर होता है, ग्लूकोज के स्तर के ऊपर होता है, ब्लड वॉल्यूम के ऊपर होता है, या कोई नहीं? तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर अलग अलग सेल्स होती है। जैसे आपने सुना होगा अल्फा सेल्स है ना, राइट। दूसरी सेल्स जो होती है वो कौन सी होती है? बीटा सेल्स। और थर्ड जो होती है वो कौन सी होती है? तो गामा या डेल्टा सेल्स, गामा या डेल्टा सेल्स, अलग अलग सेल्स होती है। अब देखिए, जैसे बीटा सेल्स है, तो बीटा सेल्स बहुत कॉमन सी है। बीटा सेल्स के द्वारा क्या रिलीज होता है? तो इंसुलिन। आप सब जानते हो कि इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो शुगर के लेवल को क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है। तो बीटा सेल से जैसे क्या रिलीज हुआ? इंसुलिन हार्मोन रिलीज हुआ। इसी तरीके से अल्फा सेल से क्या रिलीज होता है? तो ग्लूकागोन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन। अब इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो तो शुगर के लेवल को कम करता है, और ग्लूकागोन हार्मोन जो है वो शुगर के लेवल को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। ये ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, ये ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है? बढ़ा देता है। इसका मतलब ये बात तो साफ है कि अल्फा सेल, बीटा सेल्स वगैरह जो कि पेनक्रियास के अंदर पाई जा रही है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की कोशिकाएं हैं, ये ग्लूकोज के लेवल को क्या करेगी? रेगुलेट करेगी। तो लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाओं के द्वारा स्थापित हार्मोन का प्रभाव किसके ऊपर होता है? तो नेचुरली कि ये किसके कंट्रोल करेगी? ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करेगी। अब आ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी अंतस्रावी ग्रंथि एक रूपांतरित लसिका ग्रंथि है? देखिएगा, निम्न में से कौन सी अंतस्रावी ग्रंथि एक रूपांतरित लसिका ग्रंथि? मतलब प्रश्न ये कह रहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड विच इज अ मॉडिफाइड लिम्फ ग्लैंड। निम्न में से कौन सी अंतस्रावी ग्रंथि एक रूपांतरित लसिका ग्रंथि है? तो देखिए, थाइमस, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि या फिर थायरॉइड ग्लैंड। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक ग्लैंड ऐसी है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड, एक अंतस्रावी ग्लैंड ऐसी है जो कि वास्तव में एक रूपांतरित क्या है? लसिका ग्रंथि है, और उसका नाम क्या है? थाइमस। कैसे प्रूव करेंगे हम? तो देखिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपने कभी ये सुना होगा कि दो तरीके की लिम्फोसाइट्स होती है, एक बी लिम्फोसाइट्स और एक होती है टी लिम्फोसाइट्स। ओके, बी लिम्फोसाइट जो होती है वो बोन मैरो वगैरह के अंदर पाई जाती है, टी लिम्फोसाइट जो है वो किसमें? थाइमस वगैरह के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सी अंतस्रावी ग्रंथि एक रूपांतरित लसिका ग्रंथि है, राइट। तो लसिका ग्रंथि जो है वो कौन सी है? तो थाइमस है, राइट। ये थाइमस ही एक ऐसी ग्लैंड है जो वास्तव में एक मॉडिफाइड वर्जन है किसका? लसिका ग्रंथि का। तो निम्न में से कौन सी अंतस्रावी ग्रंथि एक रूपांतरित लसिका ग्रंथि है? तो आंसर कौन सा हुआ? फर्स्ट, और वो क्या था? थाइमस। सो डियर स्टूडेंट, ये जो प्रश्न थे वो किसके ऊपर थे? एमसीक्यूज बेस्ड थे, एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर। मैं इस तरीके के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है वो और वीडियोस के अंदर लेकर आऊंगा, ताकि आप नीट की प्रिपरेशन प्रॉपरली कर पाए। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।